नमस्कार साथियों राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है साथियों यहां पर आपका जो है साइकोलॉजी का जो है अधिगम का परिचय चैप्टर जो है चल रहा है जिसमें आज जो है सोलहवा वीडियो है सिक्सटीनवा वीडियो है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अधिगम का अंतरण क्या है या फिर अधिगम का स्थानांतरण इसे हम कह देते हैं तो आज हम जानेंगे अधिगम का अंतरण क्या होता है जैसे हम अधिगम का स्थानांतरण भी यहां पर कह देते हैं तो अधिगम के स्थानांतरण के बारे में आज हम जानने वाले हैं अंतरण बोल दो या फिर स्थानांतरण बोल दो दोनों का मतलब सेम होता है तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का उपयोग जो है यहाँ पर दूसरी परिस्थिति में करना हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका एक परिस्थिति से हम दूसरी परिस्थिति में यदि उपयोग करें तो उसे ही हम क्या कह देते हैं अधिगम का स्थानांतरण अधिगम का अंतरण मतलब जो हमने अधिगम किया है उसका एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में यूज हम किस तरह से करेंगे उसी को हम को बोलते हैं अधिगम का अंतरण या फिर अधिगम का स्थानांतरण अब यहां पर कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम के अंतरण या स्थानांतरण की परिभाषाएं दी हैं तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉल्सनेक के बारे में कॉल्सनेक ने क्या कहा था कि पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान अभियोगता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में क्या करना उपयोग करना ही क्या कहलाता है अधिगम का अंतरण यहाँ पर कहलाता है तो पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का अभियोग्यता का और कौशल का दूसरी परिस्थिति में देखो इस परिभाषा में आपको तीन शब्द याद रखने हैं एक तो ज्ञान एक अभियोग्यता और एक कौशल इन तीनों का दूसरी परिस्थिति में हम प्रयोग करें एक परिस्थिति से तो उसको बोलेंगे हम क्या यहाँ पर अधिगम का अंतरण पहली बात यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि परिभाषाएं एग्जाम में कम पूछी जाती हैं लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ पीटरसन की यहां पर बात करें तो पीटरसन ने क्या कहा अधिगम का अंतरण जो है एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्राप्त सॉरी प्राप्त अनुभवों या विचारों का जो है दूसरी परिस्थिति में विनियोग करना मतलब एक परिस्थिति में जो हमने विचार प्राप्त किए हैं अनुभव एक्सपीरियंस लिए हैं उनका हम यदि दूसरे परि, दूसरी परिस्थिति में उपयोग करें तो उसको हम कहेंगे क्या है यहां पर अधिगम का अंतरण तो यह परिभाषा दी थी पीटरसन ने नेक्स्ट यहां पर परिभाषा है अंडरहुड की ने क्या कहा था कि वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाले पूर्व अनुभवों का प्रभाव जो वर्तमान क्रिया चल रही है उस पर जो पहले अनुभव जो है पूर्व अनुभव जो हमने प्राप्त किए हैं उनका जो प्रभाव पड़ रहा है उसी को क्या बोलते हैं पर हम अधिगम का अंतरण बोलते हैं तो यह परिभाषा थी यहां पर अंडरहुड की तो यह परिभाषाएं एग्जाम में कम पूछी जाती हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए अधिगम का अंतरण क्या होता है एक परिस्थिति में प्राप्त यहां पर जो है ज्ञान है उसका दूसरी परिस्थिति में हम उपयोग कर रहे हैं तो इसी को बोलेंगे हम अधिगम कांतरण या फिर स्थानांतरण तो ये परिभाषाएं आपको तीन यहां पर हल्का सा ध्यान रखनी है अब हम बात करने वाले हैं अधिगम के जो है अंतरण के कुछ सिद्धांत हैं जिनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं तो अधिगम अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत है उनके बारे में हम बात करेंगे तो यहां पर पांच सिद्धांत हैं जिनकी मैं जो है यहाँ पर चर्चा करने वाला हूं तो पहला सिद्धांत यहाँ पर है

पहली व दूसरी परिस्थिति में यदि समान तत्व हैं तो उन उनका जो है अधिगम अंतरण जो है अधिकतम मात्रा में होगा मतलब पहली और दूसरी परिस्थिति में जो समान तत्व हैं उनका जो अधिगम अंतरण होगा मतलब अधिगम का स्थानांतरण जो होगा वो अधिक मात्रा में होता है एग्जाम्पल में यहां पर मैं आपको समझा देता हूं देखिए जैसे आपने मान लो गणित की आपको नॉलेज है गणित की यदि आपको नॉलेज है तो आप जो है फिजिक्स का आसानी से अध्ययन कर सकेंगे तो फिजिक्स का नॉलेज आपको जो है ऑटोमेटिकली यहां पर हो जाएगा भौतिक विज्ञान का यदि आप गणित को सीख लेते हैं तो फिजिक्स को आसानी से आप सीख सकते हो मतलब दोनों के तत्व क्या है यहां पर समान है इस वजह से सिद्धांत को बोलते हैं समरूप तत्व अधिगम का अंतरण का सिद्धांत मतलब गणित विषय में जो है कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में काम आते हैं इसलिए यदि आप गणित का अध्ययन कर लेते हो तो आपको भौतिक विज्ञान का अध्ययन आसान हो जाता है जैसे आप केमिस्ट्री का अध्ययन कर लेते हो या फिर बायो का अध्ययन करते हो तो आपको केमिस्ट्री के अध्ययन में आसानी होती है क्योंकि दोनों के तत्व समान हैं दोनों में जो कुछ समानताएँ हैं जिनके आधार पर आप आसानी से उन दोनों सब्जेक्टों को समझ लेते हो तो आप समझ में जो है आपको आ गया होगा कि जिनके जिन तत्व जिन मतलब परिस्थितियों में आपने जो है ज्ञान प्राप्त किया है समान तत्व वाले जो परिस्थितियाँ थी तो वो परिस्थितियाँ जो है दूसरी सेम जो उसके इक्वल है परिस्थिति उसमें वो काम आ जाते हैं तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पहली व दूसरी परिस्थिति में यदि समान तत्व हैं तो अधिगम का अंतरण जो है ज़्यादा मात्रा में होता है तो ये सिद्धांत दिया था थौंडग रूगर और सोरेन्सर ने यदि आपको गणित का नॉलेज है तो भौतिक विज्ञान का नॉलेज ऑटोमेटिकली आपको जो है हो सकता है यदि आप जो है गणित पढ़ लेते हो तो भौतिक विज्ञान पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है यदि आप केमिस्ट्री पढ़ लेते हो तो बायोलॉजी का अध्ययन आपके लिए आसान हो जाता है तो यहां पर हम जो है इसी सिद्धांत को हम समझ लेते हैं नेक्स्ट सिद्धांत है यहाँ पर सामान्यकरण का सिद्धांत सामान्यकरण का सिद्धांत जो है चार्ल्स जड़ एवं क्रो एंड क्रो, क्रो जड़ की जगह आपको जुड़ भी लिखा मिल सकता है कई जगह किताबों में आपको चार्ल्स जुड़ भी यहां पर मिल सकता है तो चार्ल्स जड या पर चार्ल्स जुड के द्वारा और क्रो एंड क्रो के द्वारा सामान्यकरण का सिद्धांत दिया गया था नॉर्मलाइजेशन का थ्योरी ऑफ नॉर्मलाइजेशन अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर जैसे मान लो आप कोई काम रोज करते हो तो वो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है सामान्य हो जाता है वो आपके व्यवहार में आ जाता है जैसे मान लो मैं साइंस का टीचर हूँ तो मेरे लिए साइंस पढ़ाना जो है रोज जो है मान लो मैं क्लासों में जाता हूँ साइंस पढ़ा के आ जाता हूँ तो साइंस पढ़ाना मेरे लिए बहुत आसान है यदि मेरे को मान लो फिजिक्स का जो है या फिर मेरे को कॉमर्स पढ़ाने के लिए दी जाए क्लासों में तो कॉमर्स पढ़ाना मेरे लिए टफ हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि मेरे लिए जो सामान्य जो सिलेबस था वो साइंस का था लेकिन अचानक मेरे को कॉमर्स पढ़ाने के लिए बोला जाए तो मैं कॉमर्स नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरे जो है व्यवहार में वो नहीं है जो हमारे व्यवहार में होती है जो चीज़ हमारे लिए सामान्य हो जाती है उसको हम आसानी से कर लेते हैं जैसे मैं क्लासों में रोज जाके विज्ञान पढ़ा लेता हूँ तो ये जो है मेरे व्यवहार में आ गया अर्थात मेरे लिए सामान्यकरण इसका हो गया जो हमारे व्यवहार में आ जाती है और जिसका सामान्यकरण हमारे लिए जो है हो जाता है उस चीज को हम आसानी से कर लेते हैं जबकि अदर एक्टिविटीज को हम नहीं कर पाते हैं जो कि हमारे व्यवहार में नहीं होती है तो आप समझ गए होंगे सामान्यकरण का सिद्धांत का मतलब क्या है जड एवं क्रो क्रो एंड के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तीसरा सिद्धांत है यहाँ पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना होगा तीसरा सिद्धांत यहाँ पर द्विकारक अधिगम का जो है अंतरण का सिद्धांत द्विकारक अधिगम अंतरण का सिद्धांत जो कि स्पियर मैन के द्वारा यहाँ पर दिया गया था यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कारक यहां पर जो है डबल फैक्टर दो कारक होंगे इसमें दो कारक अधिगम अंतरण सिद्धांत के द्वारा दिया गया इस सिद्धांत को हम विशिष्ट और सामान्य व्यवहार या तत्व का सिद्धांत भी यहां पर कह देते हैं अब यहाँ पर विशिष्ट और सामान्य दो कारक यहां पर होते हैं जिनकी मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत जो कि स्पियर मैन के द्वारा दिया गया इसको हम विशिष्ट व सामान्य व्यवहार या तत्व का सिद्धांत भी यहां पर कह देते हैं अब देखिए इसमें दो कारक कौन कौन से होते हैं पहला कारक होता है यहां पर इसके अंदर जी कारक और बहुत सारे इसमें क्या होते हैं एस कारक होते हैं ये देखिए ये बहुत ज्यादा होते हैं असंख्य होते हैं तो ध्यान रखना है आपको एस कारक कैसे होते हैं असंख्य होते हैं इनकी कोई जो है गणना नहीं है बहुत सारे होते हैं जबकि जी कारक जो होता है केवल एक होता है जी कारक केवल एक होगा ये आपको ध्यान रखना है जी कारक केवल एक होगा, जबकि एस कारक जो है बहुत सारे होते हैं अब देखिए जी कारक और एस कारक जो होते हैं इनका क्या मतलब है एस कारक का मतलब होता है स्पेसिफिक फैक्टर जिसे हम विशिष्ट कारक बोलते हैं हिंदी में ये कार्यों को सीखने में मदद करता है कोई भी कार्य हम जो सीखते हैं वो हम एस कारक की मदद से ही सीखते हैं हमारे जो है मस्तिष्क में ये कारक प्रेजेंट होते हैं अब देखिए हमारे शरीर में कारक होते हैं एस कारक क्या करता है हमको किसी कार्य को सीखने में मदद करता है जिससे हम कार्य को आसानी से सीख लेते हैं जबकि जी कारक जिसे हम सामान्य कारक भी कहते हैं जनरल फैक्टर ये क्या करता है सीखे हुए अनुभवों का व्यवहार में उपयोग करना सिखाता है हमको मतलब किसी कार्य को पूरा करवाने में जो जिम्मेदारी होती है वो जी कारक की होती है किसी कार्य को सीखने में मदद करता है एस कारक जबकि उसको पूरा करने में हमको जी कारक मदद करता है तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसको हम बोलते हैं द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत जो कि स्पियर मैन के द्वारा यहाँ पर दिया गया इसमें दो कारक होते हैं एक तो होता है जी कारक और जी कारक जो होता है ये बीच में होता है जबकि एस कारक इसके चार ओर यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं देखिए मैंने यहाँ पर आपको तीर के निशान से दिखा रखा है ये इधर से इधर यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं मतलब एस कारक जो है गतिशील होते हैं जी कारक बीच में होता है एस कारक इसके चारों ओर यहाँ पर गति करते हैं तो यह आपको समझ में आ गया होगा एस कारक क्या काम करता है कोई भी चीज को सीखने में मदद करता है और जी कारक उस कार्य को पूरा करवाने में मदद करता है मतलब सीखे गए अनुभवों को हमारे व्यवहार में उपयोग करना हमको सिखाता है तो ये सिद्धांत है यहाँ पर डबल फैक्टर वाला सिद्धांत जो कि द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत कहलाता है जो कि स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया एस कारक असंख्य होते हैं जबकि जो जी कारक होता है केवल एक होता है यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत में चौथा यहां पर सिद्धांत है आपका समग्रता या फिर पूर्णाकार का सिद्धांत समग्रता या फिर पूर्णाकार का सिद्धांत जो कि यहां पर बोल्व गोंग बोल्व कोहलर के द्वारा यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया बोल्व गैंग कोहलर तो कोहलर के द्वारा समग्रता यहां पर शॉर्ट में भी आप याद रख सकते हो केवल कोहलर याद रख सकते हो पूरा नाम है इसका बोल्व गैंग कोहलर तो कोहलर के द्वारा समग्रता या पूर्ण आकार का सिद्धांत दिया गया अब सब शब्द जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समग्रता या पूर्ण आकार आ जाना चाहिए कोई भी कार्य या व्यवहार जो है तभी संपन्न होता है और आगे के लिए अंतरित होता है जो कि यहां पर पूर्ण आकार में हो क्योंकि पूर्ण आकार या समग्रता के समय प्राणी में या अंतरदृष्टि पैदा हो जाती है और आगे के कार्यों में ये जो है विशेष योगदान यहाँ पर करती है प्रदान करती है देखिए कोई भी कार्य आपका जो मान लो आप लेब असिस्टेंट की तैयारी करते हो तो आपका यहाँ पर पूर्ण आकार क्या हो गया लेब असिस्टेंट की तैयारी करना तो आपका टारगेट है यहाँ पर लेब असिस्टेंट तो आपके लिए यहां पर जो है पूर्ण आकार या समग्रता क्या हो गया लेब असिस्टेंट भर्ती अब आपके दिमाग में जो है अंतरद्रष्टि या सूझ पैदा होगी कि इसके सिलेबस को पहले देखो उसके अकॉर्डिंग कार्य व्यवहार तभी संपन्न होगा और आगे के लिए अंतरित होता है जो कि पूर्णाकार में हो क्योंकि पूर्णाकार या समग्रता के समय जो है प्राणी में सूझ या अंतर्दृष्टि पैदा हो जाती है जो आगे के कारणों में विशेष योगदान यहां पर प्रदान करती है तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी समग्रता या पूर्णाकार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था वोल्व गैंग कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था अगला यहां पर है मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत पांचवा सिद्धांत है मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत जो कि बागले के द्वारा प्रतिपादित किया गया मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया बागले ने दिया साथियों साइकोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप बार बार रिवाइज करोगे तभी आपको जो है याद होने लग जाएगी साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है जैसे सेकंड ग्रेड में अब की बार कई एग्जाम्स हुए हैं रीट के हुए उनमें आए हुए क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही सरल सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगी और आप आसानी से बीस में से अठारह उन्नीस क्वेश्चन कर सकते हैं आप गलत फहमी में ना रहें कि पिछली बार लेब असिस्टेंट में जो है साइकोलॉजी नहीं पूछी गई थी लेकिन मैं दावा करता हूँ कि इस बार सौ परसेंट आपके लिए साइकोलॉजी के बीस क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे और यदि आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आप जो है कंपटीशन से बाहर यहाँ पर हो जाओगे तो यहां पर ध्यान रखना है मूल्यों का मतलब होता है यहां पर गुण मूल्यों का मतलब क्या होता है गुण अभिज्ञान का मतलब होता है यहां पर मॉडल मॉडल या फिर आदर्श इसको हम कह सकते हैं मॉडल या आदर्श तो मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत भाग ने दिया किसी भी प्रकार का अधिगम अंतरण जो होता है केवल विशिष्ट या फिर आदर्श मूल्यों के रूप में ही यहां पर संभव होता है सामान्यतः उसका अंतरण संभव नहीं होता है तथा आदर्श मूल्य गुण सर्वाधिक रूप से अंतरित होते हैं कोई भी जो किसी भी प्रकार का अधिगम अंतरण केवल तभी संभव होगा जो कि विशिष्ट रूप से या फिर आदर्श मूल्यों के रूप में होगा सामान्य रूप से अधिगम का अंतरण नहीं हो पाता है किसी चीज का जो कि यदि वो आदर्श मूल्य या गुण के रूप में होता है तो सबसे ज्यादा अंतरण यहाँ पर होता है तो सर्वाधिक अंतरण जो है यहाँ पर आदर्श मूल्य गुण के रूप में यहाँ पर होता है तो सिद्धांत दिया गया था बागले के द्वारा यह पूछ लिया जाता है मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया बागले के द्वारा दिया गया इसमें नाम से ही पता चल रहा मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत मतलब किसी भी चीज का अंतरण अधिगम अंतरण तब होगा जब वो आदर्श मूल्यों के रूप में होगा जब वो चीज आदर्श मूल्यों के रूप में होगी एक मॉडल के रूप में होगी तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा मूल्यों मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत का मतलब यहां पर क्या है तो ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो ये अधिगम अंतरण आपको समझ में आ गया होगा पांच सिद्धांत मैंने बताए हैं कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस भी इसके बारे में आपको बताई हैं तो जो है यहाँ पर अधिगम अंतरण आपके लिए यहाँ पर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ऐप में वीडियोज आपको मिलती रहेंगी कोर्स परचेज करने के लिए आपको राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से उसके बाद स्टोर वाले ऑप्शन पर जाकर लैब असिस्टेंट फुल कोर्स दो को आप जो है यहाँ पर परचेज कर सकते हो मात्र ग्यारह सौ में आपको पूरा कोर्स विधिवत रूप से करवाया जाएगा साथ में आपको पीडीएफ पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पर मिलेंगी साथ में आप जो है डिजिटल पैनल से भी आप नोट्स को बना सकते हो जय हिंद जय भारत